मैं आपको अपनी खूबसूरती का राज बताने जा रहा हूँ। अच्छा, ये मारेगा मारेगा ये। मैं खूबसूरती का राज बताने जा रहा हूँ। मैं अपना नहीं हूँ, मैं पराया हूँ। मैं अपना नहीं हूँ, मैं पराया हूँ। मैं सुबह तेजाब से नहा के आया हूँ। मैंने पगले से कहा, मुझे वो दो जिसकी मैं हकदार हूँ। पगला धोखा दे के चला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक लेजेंड है, बहुत ही टैलेंटेड, निहायत ही खूबसूरत, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, प्रोफेशनल। कभी वो बच्ची होती है, फिर उसी में बड़ी हो जाती है, जुड़वा बहन बन जाती है, माँ बन जाती है, बेटी भी वही होती है। सोचिए, अगर वो ये डिसीजन नहीं लेती तो क्या होता, हम जैसे फैंस का क्या होता। पता नहीं इन्होंने कैसे किया है, लेकिन किया जरूर है। आई डोंट थिंक के इस लेजेंड जैसा कोई आया है और कोई आएगा, और वो नाम आरोही है। हर कोई अपने अपने मर्द को अपने दिल में रखे है, लेकिन मैं उसको फ्रिज में रखूंगी। कहीं खराब वराब हो गया तो रिपेयर भी नहीं होगा कोरोना में। गाइस, आप लोगों को एक दर्दनाक चीज दिखाने वाला हूँ। हम दोनों रील्स ऐसे बनाते हैं और रियलिटी ये है। क्यों पूरा हिला डाला ना? ये अब उनका औकात है, इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। तो और फिर ट्रैफिक लाइट को देख करके मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई। कितने लोग थे? क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा है, साहब कह रहे हैं। साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये। अरे नू कैरी, रिपोर्टर। हाँ, कल हम एक सपना देखे। अच्छा, क्या देखा सपना में? तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी के साथ फुर हो गई। सच्ची में? रिपोर्टर। हाँ, तुम छत पर नहाते हो? हाँ, क्या है? नहीं, तुम्हारी पड़ोसन कल तुमको देख ली थी बिना चड्डी के नहाते हुए। अरे भाई, किसी को नहीं बताया। नहीं तो बताएं। नमस्कार प्रणाम, आज हमारे साथ एक लड़का जुड़ चुका है जो कॉलेज जाता है, तो चलिए इसे पूछते हैं ये कॉलेज क्यों जाता है। हाँ तो बताइए। टाइम पास करने? टाइम पास करने थोड़ा थोड़ा माल पटाने। दोस्तों, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें सबसे पहले बोल रहे बेटा खाना बन गया आजा, तो इस पहली आवाज में बिल्कुल मत आना, क्योंकि ये घर वालों का तुमसे पानी और प्लेट चम्मच रखवाने का जाल है जो ये फैलाते हैं तुम्हें सबसे पहले आवाज देके। समझ आ रही मेरी बात? हम लड़कियों का एक बहुत ही खतरनाक लॉजिक कि जो लड़का हमें अटेंशन दे रहा है हम उसको भाव नहीं देते, और जो हमें भाव नहीं देता उसको हम अटेंशन देते रहते हैं। भाई ले फ्री में। मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे। छत्तीस के 36 गुण मिलते थे मेरे और मेरे सही आंखें, लेकिन मेरे घर वालों ने हमारा घर बसने नहीं दिया। बोल रहे कि जैसे नालायक हमारी बेटी है वैसा नालायक दामाद नहीं चाहिए। डरते हैं तुमसे आई लव यू बोलने से। अच्छा भाई, क्यों? अबे साले, चप्पल फेंक के मारी तो। भाई, वो मेरे से एक ही शिकायत करती थी। क्या? कि तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। अब उसको कौन बताए, मेरे पास पैसे ही नहीं होते। तू बोले तो तेरे नाम पे एक घर बुक कर दो चांद पे, फिर फोटो शूट वहाँ करके डालेंगे इंस्टाग्राम पे। इतने प्यारे प्यारे फीचर्स तेरे हाय, बिल्कुल भारतीय नारी सी तू शर्माए। तू मुझसे मिलने आए फिर लॉकडाउन लग जाए, तू मुझसे मिलने आए फिर लॉकडाउन लग जाए। रिपोर्टर, एक लड़की है वो तुम्हारा वीडियो देखती है और बोली हमको रिपोर्टर से प्यार हो गया है। अच्छा, कौन है वो? नहीं, हम तो प्रैंक कर रहे थे। हो प्रीत की लत मोए ऐसी लागी,
ढूंढने में तुम्हें भगवान भी मिलेंगे, लेकिन मेरे जितना मासूम दोस्त नहीं मिलेगा। मगर तुम भसूड़ी लोग समझते कहाँ मुझे। ढूंढने में तुम्हें भगवान भी मिलेंगे, लेकिन मेरे जितना मासूम दोस्त नहीं मिलेगा। मगर तुम भसूड़ी लोग समझते कहाँ मुझे।